हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से फूली फूली पूरी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गेहूं के आटे से पूरी बनाने की सामग्री है पानी, 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 चम्मच नमक, 2 चम्मच सूजी और पूरी तलने के लिए तेल। बाउल लेंगे, बाउल में गेहूं का आटा डालेंगे, सूजी डालेंगे, नमक डालेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। जरूरत के अनुसार पानी डालकर डो तैयार करेंगे। देखिए, हमने सख्त डो लगा लिया है। अब हम ऊपर से 1/2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और चिकना कर लेंगे। देखिए, तेल लगाकर हमने चिकना कर लिया है और बिल्कुल सख्त आटा हमने लगाया है। अब हम डो को 10 मिनट के लिए रखेंगे। सेट होने के बाद पूरी बनाएंगे। डो हमारा सेट हो गया है और अब हम पूरी बनाएंगे। पूरी बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटी छोटी लोई काटकर तैयार करेंगे, इस तरह की। लोई को हम बाउल में रखेंगे और एक लोई लेंगे, चकले पर रखकर छोटी पूरी बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को बेलकर तैयार करेंगे। पूरी तलने के लिए हमने तेल को गर्म कर लिया है। आंच को मीडियम रखेंगे और पूरियों को तलेंगे। देखिए, पूरी गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को तलेंगे। गेहूं के आटे की पूरी बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पर आम का छुंदा रखा हुआ है। आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।